भारत देश के कोने कोने में अनेकों मंदिर स्थापित हैं, क्योंकि देश के हर कोने में लोगों के मन में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है। यहाँ ना मंदिरों की कमी है ना भक्तों की। भारत के अधिकतर मंदिर प्राचीन काल से ही स्थापित है और अधिकतर मंदिरों के प्रसिद्ध होने के पीछे कोई ना कोई अद्भुत इतिहास और रहस्य जुड़ा है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मंदिर की जहां महादेव को स्त्री रूप में पूजा जाता है। इसी कारण इस मंदिर को लिंगाई माता मंदिर का नाम दिया गया है। ये मंदिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के दुर्गम इलाकों में स्थित है। फरस गांव से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम से बड़े डोंगर मार्ग पर आलोर गांव है। वहां से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक पहाड़ी है जो कि लिंगाई गट्टा लिंगई माता के नाम से प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पत्थर है। इस पत्थर की बनावट स्तूप नुमा है। इस पत्थर की बनावट को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो किसी विशाल पत्थर को कटोरा नुमा तराश कर चट्टान के ऊपर उलट कर रख दिया गया है। लिंगाई माता मंदिर के दक्षिण दिशा में एक सुरंग है जो कि इस गुफा का प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार काफी छोटा है जिस कारण इंसान को या तो लेटकर या फिर बैठकर ही घुसना पड़ता है। गुफा के अंदर 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। गुफा के अंदर चट्टान के बीचों बीच निकला शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 2 फुट होगी। श्रद्धालुओं का मानना है कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत कम थी लेकिन समय के साथ साथ ये बढ़ती जा रही है। परंपरा और लोक मान्यता के कारण इस प्राकृतिक मंदिर में प्रतिदिन पूजन अर्चन नहीं होता है। ये मंदिर साल में केवल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के बाद आने वाले बुधवार को खोला जाता है तथा दिन भर श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना एवं दर्शन किए जाते हैं। इस दिन मंदिर के बाहर मेले का भी आयोजन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी 2 विशेष मान्यताएं प्रचलित हैं। पहली मान्यता संतान प्राप्ति को लेकर है। इस मंदिर में आने वाले अधिकांश श्रद्धालु संतान प्राप्ति की मन्नत मांगने आते हैं। यह मनौती मांगने का तरीका भी निराला है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपत्ति को खीरा चढ़ाना आवश्यक है। प्रसाद के रूप में चढ़े खीरे को पुजारी पूजा के पश्चात दंपत्ति को वापस करते हैं। दंपत्ति को शिवलिंग के सामने ही इस ककड़ी को अपने नाखून से चीरा लगाकर 2 टुकड़ों में तोड़ना होता है और फिर सामने ही इस प्रसाद को दोनों को ग्रहण करना होता है। मन्नत पूरी होने पर अगले साल श्रद्धा अनुसार चढ़ावा चढ़ाना होता है। दूसरी मान्यता भविष्य के अनुमान को लेकर है। एक दिन की पूजा के बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है तो मंदिर के बाहर स्तंभ पर रेत बिछा दी जाती है। अगले वर्ष इस रेत पर जो चिन्ह मिलते हैं उससे पुजारी आने वाले साल के भविष्य का अनुमान लगाते हैं। यदि कमल का निशान हो तो धन संपदा में बढ़ोतरी, हाथी के पांव के निशान हो तो उन्नति, घोड़ों के खुर के निशान हो तो युद्ध, बाघ के पैर के निशान हो तो आतंक, बिल्ली के पैर के निशान हो तो भय तथा मुर्गियों के पैर के निशान होने पर अकाल होने का संकेत माना जाता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।